बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले मेरी तरफ से उन तमाम ममालिक जिनमें कल रोज़ा है वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद, और जिसमें परसों को रोज़ा है उनको एडवांस में जो है मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। और आज हम भी जा रहे हैं रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच आए हैं निस्टो शॉपिंग मॉल पे। निस्टो शॉपिंग मॉल जो है वो शॉपिंग के लिए बेहतरीन मॉल है, ख़ास तौर पे इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी हर चीज़ मिल जाती है, इंडियन भी हर चीज़ मिलती है और मुनासिब प्राइस हैं। बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ नहीं होती, कपड़े वगैरह भी, बर्तन, सब्जियाँ, फ्रूट्स, हर चीज़ फ्रेश होती है यहाँ पे। तो हम भी अंदर चलते हैं। आज वैसे काफ़ी रश है, काफ़ी लोग रमज़ान की वजह से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस बरकत वाले महीने के सदके मुसलमानों की तमाम बीमारियों को और मुसीबतों को दूर करे और उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और हमें इस बाबरकत महीने के तमाम रोज़े रखने नसीब फरमाए, आमीन। ग्रॉसरी शॉपिंग तो हमने कर ली है, जो चीज़ें हमें चाहिए थी। अभी जो है वो थोड़ा सा सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे मैंने एक बैग लेना था, वो देखना है, वो चेक करते हैं अगर मिल जाए तो। तो यहाँ से मुझे बैग तो नहीं मिला क्योंकि वो जो ऑफ़र तो थी उसकी, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे। और अभी हम यहाँ पे पांडा में आ गए हैं। यहाँ से हमने जो है वो दूध उठाना था क्योंकि वो निस्टो से हमें नहीं मिला था, वहाँ पे ख़त्म था, बच्चों के पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो वाला। तो वो दूध वगैरह लेने के बाद फिर हम लोग इधर बच्चों को थोड़ी देर के लिए प्ले हाउस में ले आए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, और उसके बाद हम चलेंगे घर। और प्लीज़ हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें, ये वाली ग्रॉसरी शॉपिंग हमने रमज़ान के लिए की है। अभी जो है मैं तमाम चीज़ें शॉपों से निकाल के इसे फ्रिज में रखती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ़ से एक दफ़ा फिर तमाम मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद।